गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अरुण शर्मा, पीजीटी फिजिक्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ ग्रेड 12 फिजिक्स यूनिट नंबर सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन माय लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्रीचॉप्स लॉ, बीटस्टोन ब्रिज एंड द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड कंडीशन फॉर ए बीटस्टोन ब्रिज। सो यू नो द बीटस्टोन ब्रिज, द बैलेंस्ड कंडीशन P upon Q is equal to R upon X. PQ is the ratio arm, R is the known resistance and X is the unknown resistance. X is the unknown resistance. So, today we will start the merits for a Wheatstone bridge. So, you know, the Wheatstone bridge method for measuring the unknown resistance. X is the unknown resistance. Today we will start the merits. So, it is a null method. Merits. It is a null method. It is a null method and therefore the measurement of resistance made by this method is not affected by internal resistance of the battery. We can say that it is a null method. So measurement of the resistance made by this method is not affected by internal resistance of the battery. And the means यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है उसको अफेक्ट नहीं करता बिकॉज इट इज ए नल मेथड। सो द सेकंड, एज नो मेजरमेंट ऑफ करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वॉल्व्ड, द मेजरमेंट आर नॉट अफेक्टेड बिकॉज द फैक्ट दैट एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर नॉट ए आइडल वन। इट्स योर सेकंड पॉइंट। And your third point, the value of unknown resistance can be measured with very high accuracy. जो unknown resistance की value है, उसको आप high accuracy के साथ find out कर सकते हो by increasing the ratio of resistance in the arm. जैसे हमने कल read करा था, it's your PQ is the ratio arm, it's your galvanometer, PQ is the ratio arm A, B, C and D. We can say that AB and BC is the ratio arm and AC and BD is the conjugate arm. AC and BD is the conjugate arm. So your third point is the value of unknown resistance can be measured with very high accuracy by increasing the ratio of the resistance. अगर आप इन दोनों resistance को increase करेंगे then your accuracy can be increased. So today the next portion is your slide wire bridge. So see the next topic. Next is your slide wire bridge. So this slide wire bridge is also known as meter bridge. And principle, it is based upon the principle of balanced Wheatstone bridge. वो आपने कल भी रीड करा हुआ है, P upon Q is equal to R upon X. अगर
बी और डी की जो आर्म है, या अगर गलवेनोमीटर जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इट मीन इट इज योर बैलेंस कंडीशन। अगर गलवेनोमीटर जो है अगर डिफ्लेक्शन दे रहा है, दैट मीन इट इज ए अनबैलेंस कंडीशन। सो द प्रिंसिपल इज, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मीन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। इट मीन्स गलवेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, दैट मीन इट इज योर बैलेंस कंडीशन। सो नेक्स्ट, योर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एक हमने वुडन बोर्ड लिया हुआ है, इट्स योर वुडन बोर्ड, और इस वुडन बोर्ड के ऊपर एक स्केल लगा हुआ है, और इस स्केल के ऊपर एक वायर लगी हुई है कॉन्स्टेनियन और मैग्नीनियन की। कॉन्स्टेनियन और मैग्नीनियन की एक वायर लगी हुई है, और इसके ऊपर तीन कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, दो जो है लेफ्ट और राइट साइड है, और एक स्ट्रिप जो है मिडल पोर्शन के ऊपर लगी हुई है ऐसी। अब आपके पास दो गैप खाली हो गए, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप। अब हमने क्या करना है, हमारे पास है पी क्यू आर एंड एक्स। पी क्यू इज द रेशियो आर्म, आर इज द नोन रेजिस्टेंस, एक्स इज द अननोन रेजिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, यहां से जो लेफ्ट आर्म है यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दूंगा, आर मीन नोन रेजिस्टेंस। यहां पे मैंने एक नोन रेजिस्टेंस का यूज कर दिया। जो आपका राइट गैप है वहां पे मैंने एक अननोन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि जिसका रेजिस्टेंस कितना है, इसके रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता होगा। और यहां पे एक पॉइंट है, उसके साथ मैंने एक गलवेनोमीटर यूज करा, यहां पे इसका जीरो डिफ्लेक्शन है, और गलवेनोमीटर के साथ मैंने यहां पे एक जॉकी यूज कर दी। इट्स योर ए एंड, दिस इज योर सी एंड, और ए और सी के क्रॉस मैंने एक बैटरी का यूज करा, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक ई यूज कर ली। अब ध्यान से देखेंगे, ये होगी आपकी कंस्ट्रक्शन कि एक वुडन बोर्ड लिया हुआ है, वुडन बोर्ड के ऊपर एक स्केल लगा हुआ है, स्केल के ऊपर एक वायर लगी है, उस ये जो वायर है वो किसकी लगी हुई है, कॉन्स्टेनियन और मैग्नेनियन की एक वायर लगी हुई है, और यहां पे तीन कॉपर स्ट्रिप है, दो लेफ्ट और राइट, और एक मिडल में दो गैप खाली हो गए, एक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट गैप के ऊपर हमने नोन रेजिस्टेंस लगा दिया, राइट गैप के ऊपर अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, और जो इसका सेंट्रल पॉइंट है डी, यहां पे मैंने एक गलवेनोमीटर यूज करा, और गलवेनोमीटर के साथ मैंने एक जॉकी का यूज कर दिया। अब मैंने बताया कि जो ये वायर है उस वायर की जो लेंथ है वो है आपके पास 100 सेंटीमीटर। इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे कि यहां पे आपके पास गलवेनोमीटर है, जब आप इस जॉकी को इनिशियली क्या करना है, इफ बी प्रेस द की, मैंने की को ऑन करा, देन करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये जो ये आपकी जीरो नल पॉइंट है, मैंने इस जॉकी को ए एंड के ऊपर इस कॉन्स्टेनियन और मैग्नेनियन वायर के ऊपर जैसे ही अटैच करा, तो गलवेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है राइट साइड, गलवेनोमीटर ने राइट साइड को डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट करा। अब मैंने यहां से जॉकी को उठा के, जब मैंने जॉकी को यहां पे अटैच करा, गलवेनोमीटर शो ए राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन, जॉकी को उठा दिया, देन गलवेनोमीटर अगेन शो ए जीरो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। फिर मैंने यहां से जॉकी को उठा के राइट हैंड के ऊपर यहां पे अटैच करा, देन गलवेनोमीटर अगेन शो ए लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन,
अगर लेफ्ट हैंड के ऊपर लगा रहा हूं देन गैल्वेनोमीटर शो यू राइट हैंड साइड रिफ्लेक्शन, इफ जॉकी अटैच ऑन द राइट साइड ऑफ ए कॉन्स्टेनियन वायर देन गैल्वेनोमीटर शो ए लेफ्ट हैंड साइड रिफ्लेक्शन, अगेन बी पुट ऑन द जॉकी नाउ अगेन गैल्वेनोमीटर शो ए जीरो डिफ्लेक्शन, अगेन बी जॉकी पुट ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द कॉन्स्टेनियन वायर एंड मूव टूवर्ड्स द वायर ऑन द राइट हैंड साइड। मैं इस जॉकी को लेफ्ट हैंड के ऊपर लगा के जैसे मैंने लेफ्ट को लगाया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट साइड को डिफ्लेक्शन दे रहा है, जैसे जैसे मैं इस जॉकी को आगे की तरफ मूव कर रहा हूं इस वायर के ऊपर नाउ गैल्वेनोमीटर शो अगेन अपोजिट डिफ्लेक्शन, ये इस साइड को जा रहा है। जिस पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं जिस पॉइंट के ऊपर ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट साइड से मूव करके फिर जीरो के ऊपर आ गया उस पॉइंट को बोलेंगे आप नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। जब गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन देना स्टार्ट करा उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने नल पॉइंट और ए बैलेंस पॉइंट। अब जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। अब ध्यान से देखेंगे टोटल लेंथ है इसकी वायर की 100 सेंटीमीटर। अब ए से लेके बी तक इस लेंथ को कंसीडर कर लिया मैंने एल और इसको नाम दे दिया मैंने पी रेजिस्टेंस। अब बी से लेके सी तक ये लेंथ होगी आपकी 100 माइनस एल और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने क्यू। आ गया आपका पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, मीन ए से लेके बी तक इसको नाम दे दिया मैंने पी, बी से लेके सी तक 100 माइनस एल इसको नाम दे दिया क्यू, लेफ्ट गैप के ऊपर नोन रेजिस्टेंस आर और राइट गैप के ऊपर अननोन रेजिस्टेंस एक्स आ गया। अब हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये जो मैंने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बॉक्स या कोई वायर लगाई हुई है ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखेंगे ए से लेके बी तक मैंने पी माना है और इसकी लेंथ एल के इक्वल है, मीन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल दिस इज, एंड अगेन क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 100 माइनस एल के इक्वल। अब आपके पास रिलेशन है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, दैट इंप्लाइज आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये देखेंगे पी का वैल्यू कितना है एल अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है 100 माइनस एल। अब यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल डिवाइड बाय एल के इक्वल। ये आपका फॉर्मूला एक क्रिएट हो गया जिसके कारण आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने यूज करना है कि कोई भी आपके पास वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका रेजिस्टेंस है सपोज इट्स 50 ओम और इसका हमारे को पता नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो क्या करना है एक्स इज इक्वल टू आर का वैल्यू 50, जैसे हमने लेफ्ट हैंड से जॉकी को राइट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट करा सपोज योर बैलेंस पॉइंट कम्स एट ए पॉइंट 40 सेंटीमीटर, बैलेंस पॉइंट आ रहा है आपका 40 सेंटीमीटर के ऊपर, मीन 100 माइनस 40 डिवाइड बाय लेंथ कितने के ऊपर आ रहा है 40, मीन एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 40। अगर इसको सॉल्व करेंगे देन आपका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये तो आपका कंडीशन था फर्स्ट कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस। सेकंड, टू कंपेयर टू
अननोन रेजिस्टेंस। अब हम दो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, जैसे सिमिलर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल वन। सिमिलर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन, क्या लिखते थे, एक्स। एक्स इज द अननोन रेजिस्टेंस। अब हमने कोई दो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन वी कैन यूज हियर आर वन। आर अपॉन आर वन इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है, एल वन अपॉन 100 माइनस एल वन। सिमिलरली आर वन इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल वन डिवाइड बाय एल वन। ये आप आगे आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस। नाउ अगेन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू, सिमिलर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल टू। थर्ड पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन आर टू, सेकेंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यहां पे आर वन यूज कर रहे थे। आर अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर का वैल्यू एल टू अपॉन 100 माइनस एल टू। सिमिलरली आर टू इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल टू डिवाइड बाय एल टू। ये आपके पास आर वन का वैल्यू फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये आपके पास सेकेंड रेजिस्टेंस। क्या करेंगे, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर वन आर 100 माइनस एल वन डिवाइड बाय एल वन मल्टीप्लाई बाय एल टू अपॉन आर 100 माइनस एल टू। आर आर रिमेन कैंसल आउट, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन 100 माइनस एल वन अपॉन 100 माइनस एल टू। तो ये आ गया आपके पास सेकंड अननोन रेजिस्टेंस, अगर आपने दो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और सेकंड है टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस। अब हमने एक थर्ड कंडीशन फाइंड आउट करनी है टू मेजर द अननोन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक बकेट्स लिया है और बकेट्स में एक हीटिंग रॉड डाली हुई है, तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन करा पानी जो है हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, या हम रॉड एक ठंडे पानी में डालते हैं तो उस पानी का टेम्परेचर कितना है। टू फाइंड अननोन टेम्परेचर, योर थर्ड कंडीशन इज हाउ टू फाइंड द अननोन टेम्परेचर। Yes, third, to find unknown temperature of a hot or a cold bath, हमने किसी unknown temperature को find out करना है। So we can say that the resistance of a conductor increase with increase in temperature, किसी भी conductor के कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट ए टेम्परेचर थीटा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट टेम्परेचर थीटा। तो कंडीशन जैसे आपने ग्रेड 11th में भी पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा इंटू थीटा। अब आर इज द रेजिस्टेंस, आर जीरो इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट जीरो डिग्री सेल्सियस, और जो थीटा है या अल्फा बोल सकते हैं इसको, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या करेंगे, आर हंड्रेड इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए आर हंड्रेड, आगे कंसीडर कर रहे हैं
आर हंड्रेड, या अगर आप इसको रीअरेंज करें आर माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो अल्फा इंटू थीटा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. नाउ अगेन आर हंड्रेड इज द रेजिस्टेंस, इज द रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. आर हंड्रेड हमने मान लिया रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी कैन राइट हियर आर हंड्रेड माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो अल्फा इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100. ये आ गई आपकी सेकंड कंडीशन. अब क्या करेंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ डिवाइड डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय वन, मीन आर हंड्रेड माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर जीरो अल्फा इंटू थीटा. यहां से मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन थीटा आर जीरो कैंसल आउट, अल्फा अल्फा कैंसल आउट, सो वी कैन से दैट हियर आर माइनस आर जीरो अपॉन आर हंड्रेड माइनस आर जीरो मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये आपकी कंडीशन आ गई. या आप किसी भी अननोन टेम्परेचर को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सॉल्व कर सकते हो. आगे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए. टू फाइंड द अननोन टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बाथ बाय यूजिंग ए सर्किट डायग्राम एंड टू अननोन द वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज इमर्स्ड इन आइस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ आर जीरो एट जीरो डिग्री सेल्सियस कैन बी मेजर्ड. सो आफ्टर दैट ये आ गया आपका स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. तो इसमें हमने तीन एप्लीकेशन या बीट स्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं. इसके बाद हमने स्टार्ट करना है जो आपका नेक्स्ट पोर्शन है, उसको बोलेंगे आप पोटेंशियोमीटर. अब याद रखना है आपने जो पोटेंशियोमीटर है, चलो यहां तक देखेंगे, यहां तक हो गए आपके तीन टॉपिक, क्रीचॉप्स लॉ, बीट स्टोन ब्रिज एंड एप्लीकेशन या स्लाइड वायर ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन. So